सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम पप्पू है। अच्छा, ये जो रात को चोरी हुई है रिक्शे की, ये किस मोहाल में चोरी हुई है और क्या क्या गया है? इस मोहाल मंगलपुरा है जी। रात को 3 बजे के आसपास, 3:30 या 4 के आसपास यहाँ से रिक्शा चला गया। दिन भर रात भर लगाते हैं, दिन भर हम काम करते हैं तो रात को 4 बजे लगा दिए थे। कहाँ पे खड़ा होता था रिक्शा? यहाँ पर होता है, दूरी काट के। अच्छा, ये डोरी से काट के रिक्शा, पूरा रिक्शा ले गए, केवल बैटरी ले गए? नहीं, पूरा फुल रिक्शा ले गए, पूरा रिक्शा ले गए। लाल रिक्शा है वो, लाल रिक्शा है, ठीक है। और इस संबंध में क्या आपने पुलिस को सूचना दे दी है? हाँ, सूचना दे दी है, रिपोर्ट भी कर दी है वहाँ पर पुलिस। अच्छा, जैसे कि अभी सुबह का लगभग 9:15 हुआ है, क्या अभी पुलिस यहाँ पे कुछ देखने आई है, आपसे बात करने आई है कि रिक्शा कहाँ से गया था, कहाँ से नहीं गया था? पुलिस वाले आए थे, वो गुलाब सिंह है, वे आए थे, इंक्वायरी कर गए, कितने ठीक है हम आएंगे फिर। अच्छा, एक बार आ चुके हैं, फिर उसके बाद नहीं आए? तो आपको क्या लगता है कि किसने चुराया होगा रिक्शा? जो तो कुछ पता नहीं है साहब कि किसने चुराया, किसने चुराया, मैं किसी के ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ। तो आपका घर यहीं पे आसपास ही है क्या? सामने वाला है नीलावा, जो भी अपना मकान है वहाँ से उससे जो भी अपना मकान। तो रात को किसी को कोई आवाज नहीं सुनाई दी कि रिक्शा चोरी हो रहा है या कुछ खटपट की आवाज? कुछ समझ यहाँ पर 11-12 बजे रात तक बैठे रहते हैं, यहाँ पर जमाना सा लगा रहता है, कोई मेरा जो नहीं बता सकते कि कौन ले गया कौन नहीं ले गया, यानी कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर इस मोहल्ले में। ठीक, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।